इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो एक से दिखाई देते हैं, उनकी स्पेलिंग लगभग मिलती जुलती दिखाई देती है, उनके अर्थ अलग हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने में और प्रोनाउंसिएशन में वो काफी सिमिलर यानी एक समान दिखाई देते हैं, जबकि समान होते नहीं है। तो ये थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, इन्हीं को हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। मेरे पीछे तीन वर्ड्स हैंगर, हैंगर और हंगर लिखे हुए हैं, इन्हीं को हम आज जानेंगे। हेलो एवरीवन, आई हरीश वेलकम यू ऑल। तो आइए शुरू करते हैं। ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, हैंगर, हैंगर और हंगर। इन तीनों का क्या अर्थ है और इनको कैसे सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है? तो ये देखिए, पहला है हैंगर। इनकी स्पेलिंग भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। HANGAR, शुरू के चार लेटर इन दोनों वर्ड्स के सेम है, लेकिन यहां पर AR है और यहां पर ER। इस तीसरे को देखें, ये हैंगर, हैंगर और ये है हंगर। इसकी स्पेलिंग इन दोनों से अलग है, HUNGER। इन तीनों में क्या फर्क है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ते हुए भी और इनको प्रयोग करते समय भी कि किसका अर्थ क्या निकलता है। तो आइए वो कंफ्यूजन दूर करते हैं। पहला है हैंगर, जिसका मतलब होता है विमानशाला, यानी जहां पर जब विमान किसी एयरपोर्ट पर आता है और सवारी खाली करने के बाद वो चला जाता है विमानशाला में, जहां पर उसकी मेंटेनेंस की जाती है, उसकी देखभाल की जाती है, जो चीज की उसमें कमी होती है उसको ठीक किया जाता है। तो उस जगह को हम कहते हैं हैंगर। हैंगर इंग्लिश का वर्ड जिसका हिंदी में मतलब है विमानशाला। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कंपनी हैड लीज्ड ए लार्ज हैंगर एंड यूज्ड इट फॉर ए मंथ। कंपनी ने एक बहुत बड़ी विमानशाला लीज पर ली और उसको प्रयोग किया एक महीने तक किसी काम के लिए। द प्लेन लेफ्ट द हैंगर एंड मूव टूवर्ड्स द रनवे। विमान विमानशाला से निकला और रनवे की ओर बढ़ गया। तो यहां पर आपने देखा हैंगर वर्ड का प्रयोग किया हमने एक विमानशाला के तौर पर। अगला देखते हैं हैंगर, HANGER, जिसका मतलब है कपड़े टांगने वाला हैंगर, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं तार से बना हुआ, लकड़ी तार या लकड़ी का भी बना हुआ होता है, प्लास्टिक का भी मिलता है। तो कपड़े टांगने वाला हैंगर या टांगने वाला, टांगने वाला क्या, टांगने वाला क्या, फांसी दी जाती है तो कोई व्यक्ति होता है जो फांसी पे टांगता है यानी जल्लाद, तो उसको यहां पर लिखा हुआ है टांगने वाला। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। द ब्रोकन हैंगर वॉज थ्रोन अवे, टूटे हुए हैंगर को फेंक दिया गया। द ब्रोकन हैंगर वॉज थ्रोन अवे, यहां पर ये कपड़े टांगने वाला हैंगर है वो टूट गया, उसको फेंक दिया गया। द हैंगर वॉज कॉल्ड बाई द पुलिस, जल्लाद को पुलिस द्वारा फोन किया गया। द हैंगर, यहां पर हैंगर मतलब टांगने वाला यानी जल्लाद की बात हो रही है। द हैंगर वॉज कॉल्ड बाई द पुलिस, हैंगर को टांगने वाले को जल्लाद को पुलिस ने फोन किया, फोन पुलिस के द्वारा फोन किया गया। हंगर, HUNGER, जिसका मतलब है भूख। रोहन हैज ए हंगर फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए रोहन में भूख है यानी रोहन पढ़ाई का भूखा है, ये डिजायर है, ये एक जुनून पैशन की बात हो रही है यहां पर इस वर्ड को इस्तेमाल करके, यानी पढ़ाई के लिए रोहन में एक अजब सी भूख है यानी एक अलग सा जुनून है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल फेस हंगर एवरी डे, हजारों लोग भूख का सामना करते हैं रोज रोज, हजारों लोग भूख का सामना करते हैं। तो ये आपने देखा हैंगर, हैंगर और हंगर, इन तीनों में क्या फर्क है। आई होप अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल की सारी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने नियर्स और डियर्स के साथ।